बीजापुर में जल संसाधन विभाग ने किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने के उद्देश्य से मनरेगा के बजट पर ही पानी फेर दिया। निर्माण के 15 सालों में जिस नहर का पानी किसानों के खेतों में नहीं पहुंचा, मामला भोपाल पट्टनम के अर्जुनली ग्राम पंचायत में उद्वहन योजना के तहत बनाई गई नहर का है, जिसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा की लागत की बन रही रिटर्निंग वॉल का मनरेगा के तहत इसको कराया गया निर्माण, लेकिन ठेकेदार ने आधा अधूरा गुणवत्ताहीन रिटर्निंग वॉल का निर्माण किया। उसके बाद भी विभाग ने भी कमीशन खोरी के चलते ठेकेदार को गैर कानूनी तरीके से 84,38,000 का भुगतान कर दिया। इंजीनियरों की एक टीम बना के उसकी जांच के लिए, उसकी मतलब निर्माण जो किया गया है वो उचित है नहीं है, उसकी जांच की एक समिति बनाया गया है। उसके ये जो है ना भैया, नाली का 15 साल हो रहा है, हमको कुछ इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पानी का सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है, खेतों में सूखा ग्रस्त हो रहा है। और जो उसके बाजू से जो रिटेनिंग वॉल का निर्माण किया जा रहा है, क्या उसकी यहाँ वहाँ पे आवश्यकता है? नहीं है, पहुँचा भी नहीं, 15 साल से चल रहा है काम, 15 साल तक अभी जो कांग्रेस शासन आया है ना, तब जाके फिर खुला है, उसके बाद जो भी रहते समय उद्घाटन। तो अब तक इस्तेमाल हो रहा है क्या वो पानी? मिल रही है आप लोगों? नहीं मिल रहा है। पानी की तरह इरिगेशन विभाग वाले प्रतिवर्ष पैसा बहा रहे, लेकिन एक बूंद पानी भी खेतों को नसीब नहीं होगा। अभी यहाँ जल संसाधन विभाग वाले इस नहर को दुधारू गाय की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। की प्रशासकीय स्वीकृति 6 किस्तों में 105 लाख प्राप्त हुआ है। उसकी तुलना में मार्च में, चूंकि ये कार्य मार्च में था और निर्धारित हुआ था। पवन दुर्गम जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, 84,48,000 पानी में बहा दिए। जी देखिए, लगातार जिस तरीके से कोरोना महामारी फैला है, वैसे ही सरकार के 2 साल होने को हैं और यहाँ भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो लगातार योजनाओं में लग रहे हैं। 14वां वित्त हो या मनरेगा हो, जमकर भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो लग रहे हैं। दरअसल ये जो अर्जुनली में नहर रिटर्निंग वॉल का काम किया जा रहा था, ऐसे 9 जलाशयों का काम बीजापुर जिले के अंदर किया जा रहा था, जिसको लेकर सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया था। उसी में से एक जलाशय है अर्जुनली, जहां भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। वहां पर दरअसल 15 साल पहले भाजपा के शासन में वहां पे लिफ्ट इरिगेशन का बनाया गया था, ताकि वहां के किसानों को नहर के माध्यम से पानी मिले, लेकिन उसका इस्तेमाल वहां नहीं हुआ। नहर के माध्यम से पानी पहुंचाने का उद्देश्य था, लेकिन पानी तो पहुंच नहीं रहा है। तो फिर पानी जब पहुंच नहीं रहा है तो 84 लाख रुपए कहाँ चले गए? और फिर जब लोग किसानों को लाभ नहीं पहुंच रहा है तो फिर पानी को कहाँ स्टॉक करके रखा गया है? किस लिए ये रिटर्निंग वॉल बनाई गई? फिर जी आप बता दो, दरअसल ये पूरा मामला नहर से पानी पहुंचने से ज्यादा भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। तो दरअसल अभी 5% वहाँ पे काम किया गया है, जिसके लिए लगभग कितने साल में ये 5% काम हुआ है? अभी ये 2020 में ये काम शुरू हुआ था। तो और ये इस काम की अनुशंसा की गई है, वो कब की गई थी? वो जिला पंचायत ने नवंबर में की थी। नवंबर किस साल में की गई? सॉरी मैं थोड़ा मिस्टेक हो रहा, मैं फरवरी 2020 में की गई थी। 2020 में ही की गई, मतलब रमन सिंह इसकी 15 साल पहले घोषणा कर चुके थे और मतलब 2% काम भी नहीं हुआ, काम शुरू हुआ वो अब। दरअसल रस्क यहाँ पर रिटर्निंग वॉल जो कंक्रीट की जो वॉल होती है वो बनाई जाने थी, जिसके लिए 1,05,34,000 के आसपास राशि स्वीकृत की गई थी और 1,300 मीटर के आसपास इसको बनाना था, लेकिन 200 मीटर से भी कम बनाया गया और 84 लाख रुपए का जो भुगतान है वो वेंडर को कर दिया गया है। तो जिम्मेदार क्या काम नहीं हुआ, जब वहाँ काम नहीं हुआ है, मटेरियल नहीं पहुँचा, उसके बावजूद वेंडर को भुगतान कर दिया गया। जी नहीं, तो इसमें किस किस की मिली भगत पवन? बिना मिली भगत के 84,85,000 रुपए का आहरण और इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट किसी को कर देना पॉसिबल नहीं है, तो इसमें ऊपर से लेके नीचे तक सभी मिले होंगे। दरअसल एक पूरा मामला जो क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य है बसंत राव ताटी, उन्होंने उजागर किया है। आपको रोकना चाहूंगी, बसंत राव जिला पंचायत सदस्य हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। बसंत जी बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये क्या हो रहा है आपके क्षेत्र में? जी मेरा निर्वाचन क्षेत्र है ग्राम अर्जुनली, जो भोपाल पट्टनम जनपद पंचायत का अंतर्गत आता है।
हाँ वहाँ मनरेगा के द्वारा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पोषण लाल चंद्राकर द्वारा वहाँ एक रिटर्निंग वाल नहर के किनारे बनाने के लिए 1320 मीटर रिटर्निंग वाल बनाने के लिए 1,05,34,000 रुपए की स्वीकृति दिया था, ये 29/2020 को। उसके बाद वहाँ काम भी नहीं हुआ और मार्च माह में पूरा पैसा निकाल लिया गया और अब 7-8 माह हो चुका है और पूरा पैसे का बंदरबांट कर लिया गया। काम नहीं हुआ। 84 लाख से ज्यादा का पैसा निकाल लिया गया, कहाँ गया ये पैसा, फिर कुछ जानकारी आप लोगों को मिल पाएगी? पैसा संबंधित विभाग वाले आहरण करके खा गए हैं। तो जो जिले के कलेक्टर हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद, ये सब क्या कर रहे हैं? सरकार को क्या इस पूरे मामले में जानकारी नहीं है क्या? जी मैडम, मैं जिला कलेक्टर को के संज्ञान में लाया हूँ सारे मामले को और मैंने लिखित में शिकायत भी किया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि सारे मामले का जांच कर निष्पक्ष जांच पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी और हमारे जो क्षेत्रीय विधायक माननीय विक्रम साहब मंडावी हैं उनसे भी मैं बात करना चाहा, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव होने के कारण उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। हाँ, मैं भी उनके संज्ञान में बात लाकर सरकार से मांग करूंगा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। पवन, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जेपी सुमन जी जुड़ गए हैं। सुमन जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुमन जी, आवाज मिल रही है? जी जी जी। सुमन जी, पूरा मामला तो आपके संज्ञान में है, जहाँ पे रिटर्निंग वॉल का निर्माण होना चाहिए था वहाँ पे हुआ नहीं है और काम पूरा नहीं हुआ, आधा तो पूरा तो बहुत दूर की बात है, आधा भी नहीं हुआ और 84 लाख से ज्यादा का पेमेंट हो गया, कैसे सर? ये मटेरियल सप्लाई किया गया था और सर, मटेरियल सप्लाई में 84 लाख, भाई उसमें निर्माण कार्य भी तो देखना चाहिए, 200 मीटर भी इस पे, काम इस पे मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, अभी कार्रवाई हो रही है। वो सर किन बिंदुओं के आधार पर जांच की जा रही है, बताएंगे आप थोड़ा? किन बिंदुओं के आधार पर जांच की जा रही है, थोड़ा सा जानकारी दीजिए। वो जब किन बिंदुओं पर, उसमें ऊंचाई के बारे में, उसमें रिटेनिंग वाल औचित्यहीन है कि नहीं है, उस संबंध में जांच हुई है। अच्छा, पहला बिंदु क्या है सर? वो उसमें आवश्यकता क्यों पड़ी इसका, तो उसमें ठीक है, पहला बिंदु अव्यवस्था हो गया। दूसरा बिंदु सर? दूसरा पॉइंट क्या है जांच का? पहला तो अव्यवस्था हो गया, दूसरा बाकी जो है वो, अरे सर दूसरा बताइए ना, बाकी तो ठीक है, तीसरा मैं बाद में पूछूंगी, पहले तो दूसरा बताइए ना आप कि दूसरा बिंदु क्या है जांच का? नहीं अभी जिस संबंध में हमें ऑर्डर में वो हुआ है, क्या बात कर रहे हैं, जांच अधिकारी बन गए आप, आपको जांच के ऑर्डर दे दिए गए, आपको बिंदु ही नहीं पता कि किन बिंदुओं के आधार पर जांच हो रही है, कैसे आपको जांच अधिकारी बना दिया? फिर तो आपकी जो आप जांच रिपोर्ट सौंपेंगे उस पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे सर। आपसे मैं पूछ रही हूँ, आप कह रहे तीन बिंदुओं के आधार पर जांच हो रही है, जांच के तीन बिंदु रखे गए हैं, मैंने पहला पूछा तो आप उसको भी सही ढंग से नहीं बता पाए, मैंने ही कैच करके कहा कि चलिए ठीक है अव्यवस्था पहला बिंदु हो गया, दूसरा और तीसरा बताइए ना, कैसे जांच अधिकारी हैं आप? जो जांच रिपोर्ट आप सबमिट करेंगे शासन को, हम कैसे मान लें कि आपने निष्पक्ष कार्यवाही की? नहीं नहीं, निष्पक्ष क्या, उसमें जांच करना था और वो सभी लोग गए सर। आपको जांच के बिंदु नहीं पता, आप जांच अधिकारी हैं, जो रिपोर्ट आप बनाएंगे वो किस आधार पे बनाएंगे, उसकी आवश्यकता है? नहीं नहीं नहीं, आप मुझे जांच के बिंदु बता दीजिए, पहला अव्यवस्था, दूसरा और तीसरा बताइए, तीन बिंदुओं के आधार पर तीन बिंदु रखे गए ना प्रमुख रूप से जांच में, आप दूसरा और तीसरा भी बताइए, कमाल है। उसमें कार्रवाई हो रही है, बस कार्रवाई, आपको बिंदु नहीं पता, आप क्या कार्रवाई करेंगे सर? मुझे तो पहले से ही डाउट होने लगा है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए पवन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सौसर में किसानों के